अजीनोमोटो ये नाम अपने चाइनीज फूड्स में कई बार सुना होगा। इसे चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका रियल नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसे MSG कहा जाता है। अजीनोमोटो में जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ये एसिड टोमेटो, मशरूम, ग्रेप्स, चीज इन फूड्स में भी होता है। पहली बार MSG जापानीज बायोकेमिस्ट किकुने इकादा ने 1908 में प्रिपेयर किया था, जिससे हम अजीनोमोटो कहते हैं। उसका रियल नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है और अजीनोमोटो इस MSG ट्रेडिंग कंपनी का नाम है। अजीनोमोटो का जो टेस्ट है, उसका नाम भी है मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा। ये चार टेस्ट के सिवा इंसान ने बनाया पांचवा टेस्ट है, इसका नाम उमामी है। इसका मतलब होता है लजीज खाना, और आज की जनरेशन को इस उमामी टेस्ट का एडिक्शन हो गया है। ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग बाद ये एक एडिक्शन है चाइनीज फूड खाने का। तो आज मैं आपको इस टॉपिक पे जानकारी दूंगी कि क्या अजीनोमोटो सेफ है, क्योंकि अजीनोमोटो ऐसी चीज है जो खाने को टेस्टी बनाता है। पर ऐसा कहते हैं कि जो खाना ज्यादा टेस्टी होता है वो उतना ही हार्मफुल भी होता है। आपने कभी टेस्टी लीफी वेजिटेबल्स खाए हैं? लीफी वेजिटेबल्स टेस्ट में ज्यादातर कड़वी या बिना टेस्ट की होती है, पर हेल्थ के लिए अच्छी होती है। उसी तरह ये अजीनोमोटो हेल्दी है या फिर जहर जैसा है, वो जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल लिव लॉन्ग हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, अजीनोमोटो खाने में सेफ है या नहीं। पहले जानते हैं कि MSG यानी जिसे आप अजीनोमोटो कहते हैं, वो बनता कैसे है। पहले अजीनोमोटो तीन मेथड से बनाया जाता था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्रिलोनाइट्राइड। लेकिन अभी के वक्त में अजीनोमोटो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। जो प्रोसेस योगर्ट और विनेगर में यूज की जाती है, वही फर्मेंटेशन प्रोसेस अजीनोमोटो में भी यूज होती है। लेकिन हम नहीं जानते कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कितने लॉन्ग टाइम चली होगी, कब तक अजीनोमोटो बना के प्रिजर्व किया जाता है और उसमें ऐड किए हुए प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे हेल्थ के लिए बेहद हार्मफुल हो सकते हैं। आज के वक्त में चाइनीज खाना बहुत बढ़ गया है यंगस्टर्स में, और कोई भी चीज का ओवर यूज करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन बहुत से छोटे होटल्स और फास्ट फूड सेंटर्स में चाइनीज फूड में अजीनोमोटो की क्वांटिटी ज्यादा यूज की जाती है। अब कोई देखने के लिए तो नहीं है ना कि कितनी क्वांटिटी में यूज किया जाता है, इसीलिए लोगों को चाइनीज फूड रोज खाने से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। सिर्फ चाइनीज ही नहीं, तो प्रोसेस फूड्स में भी MSG का बहुत यूज किया जाता है। पर इस बात पे कंपनी का क्या कहना है, तो अजीनोमोटो सेफ है या नहीं। अब कंपनी तो खुद के प्रॉफिट के लिए यही कहेगी कि अजीनोमोटो खाना सेफ है, उससे कोई हार्म नहीं है बॉडी को। अब ये रियल में सेफ है या नहीं, उसका कोई पक्का प्रूफ नहीं दिया है कंपनी ने। अमेरिका के चाइनीज रेस्टोरेंट ने डिसाइड किया कि वो अजीनोमोटो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कस्टमर्स बीमार पड़ने लगे। और अजीब बात ये थी कि सारे कस्टमर्स की बीमारी के सिम्टम्स भी एक जैसे थे। इस इंसिडेंट के बाद मेडिकल एकेडमी ने अजीनोमोटो के इफेक्ट्स पे रिसर्च करना शुरू किया, और ये जो साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं, वो अजीनोमोटो के वजह से वो खुद कस्टमर्स ने एक्सपीरियंस किए हैं। चाइनीज फूड खाने के बाद लोगों को हेडेक, स्किन पे रैशेस, बहुत स्वेटिंग करना, चक्कर आना और वॉमिटिंग होना, ये सब इफेक्ट्स कस्टमर्स ने फेस किए थे। रिसर्च स्टडी में ये भी पता चला है कि ज्यादा सेवन से बच्चों का ब्रेन डैमेज और आंख कमजोर होती है। लेकिन दुख की बात है कि नूडल्स और चाइनीज ज्यादा बच्चे ही खा रहे हैं आजकल। प्रेगनेंसी में अजीनोमोटो वाला खाना खाने से बच्चे पे बुरा असर हो सकता है। अजीनोमोटो एक चाइनीज नमक ही है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बच्चे तक सही न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाते हैं, जिस कारण बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता है या फिर कम डेवलप होता है। और इसीलिए प्रेगनेंसी में चाइनीज फास्ट फूड कभी ना खाइए। देखा आपने कि अजीनोमोटो खाने में सिर्फ टेस्ट ऐड करने का काम करता है, उसके सिवा उसमें कोई भी न्यूट्रिटिव चीजें नहीं है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो चीज ज्यादा टेस्टी होती है, वो हेल्थ के लिए उतनी ही हार्मफुल होती है। तो ये बात यहाँ प्रूफ होती है कि अजीनोमोटो हेल्थ के लिए हार्मफुल है और उसमें कोई प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसी चीज नहीं है। जाने से पहले आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि कहीं पे अजीनोमोटो का यूज हद से ज्यादा होता है, तो आप उस रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट की कंप्लेंट FSSAI में कर सकते हैं। जनवरी 2018 में पंजाब फूड प्रोविंस ने MSG का यूज बैन कर दिया। इस तरह सब लोग MSG का यूज बैन करेंगे तो वर्ल्ड में भी बैन हो जाएगा। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।